The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, aadab, sat sri akaal, dosto kaise hain aap? Main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Aur dosto ek movie aayi thi Hichki, Rani Mukherjee ki movie aayi thi Hichki, aur अंग्रेजी मूवी भी बहुत आई थी जिसमें आपको द टिक कोड, मदरलेस ब्रुकलिन ऐसी कई मूवीज़ हैं जो ऐसे टोरेट सिंड्रोम के ऊपर बेस्ड है. व्हाट इज़ टोरेट सिंड्रोम, आज हम जानेंगे. और टोरेट सिंड्रोम क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, आपको होगा तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जाँच क्या होती है, फलाना ढमकाना टिमकाना सिमकाना सारा कुछ आज हम आपको बताएंगे. सो शुरू करते हैं बातचीत. दोस्तों टोरेट बोला जाता है. टोरेट सिंड्रोम एक कंडीशन है जिसमें आप एक विच द कंडीशन मेक्स अ पर्सन टू रिपीटेड मूवमेंट्स या साउंड्स आप करते हैं बार बार विच आर नॉट इन योर कंट्रोल. सो रिपीटेड क्विक मूवमेंट्स और साउंड जो जल्दी 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 आते हैं, जैसे कि टोरेट सिंड्रोम में आपने रानी मुखर्जी को हिच कोई चीज बार बार बोलते हुए देखा होगा, है ना, वो चीज़ है. सो आई एम नॉट अ गुड एक्टर बट देन फाइन आई ट्राई. सो कोरेट टोरेट सिंड्रोम जो है ये एक भैया एक साइंटिस्ट के नाम पे हैं और इन्होंने पहले ये बीमारी 1985 यानी कि हमारे 1885 में करी थी. और उसके बाद ये देखा गया कि ये टोरेट सिंड्रोम जो है परिवार के यानी कि हेरिडेटरी होती है, परिवारों में आती है और आती जाती है, जय माता दी बोल के. सो इट इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ लिंक्ड विद सम एरियाज इन योर ब्रेन. कुछ दिमाग के ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो कि वैसे कायदे से तो आपके सिग्नल्स, नर्व सिग्नल्स को हेल्प करते हैं, लेकिन टोरेट सिंड्रोम में यहाँ पर केमिकल्स सब्सटेंसेस में प्रॉब्लम आ जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है. टोरेट सिंड्रोम माइल्ड हो सकता है, सिवियर हो सकता है, कुछ लोगों को माइल्ड टिक्स आते हैं, इसको टिक्स बोलते हैं टोरेट्स के जो है टिक्स. सो किसी किसी को माइल्ड होते हैं जिसको पता भी ना चले कभी मेरे को है, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, और जो कभी डॉक्टर के पास ना जाए, और किसी को बहुत सिवियर प्रॉब्लम हो जाती है. और टोरेट्स जो होते हैं इट इज़ 4 times मोर लाइकली टू प्रेजेंट इन बॉयज़, यस एज जी हाँ, तो 4 गुना ज़्यादा कॉमन है आज लड़कों में, और 50% चांस होते हैं अगर आपको टोरेट है तो आप अपने बच्चे को भी दे दोगे. सो 50% चांस टू पास ऑन इन टू योर फैमिली एंड 4 out of 4:1 बॉयज़ टू गर्ल वाला हिसाब. सिम्टम 7 साल की उम्र से 10 साल की उम्र के बीच में पहली बार नोटिस होता है ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर ऐसे में, और कोई बीमारी नहीं होती ज़्यादातर लोगों में, लेकिन फिर भी साथ में अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कभी कभी ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कभी कभी इम्पल्स कंट्रोल इश्यूज या डिप्रेशन भी साथ में घुस जाते हैं बिकॉज ऑफ यू नो सोशल प्रेशर, उल्टे सीधे बोलना, लोगों के ताने, उल्टे सीधे गाने, आई मीन पता ही है आपको, है ना. सो मोस्ट प्रॉब्लम जो आती है वो टिक्स से आती है. टिक्स होते हैं ज़्यादातर फेस पे टिक्स होते हैं, और दूसरे टिक्स जो है वो साथ में फॉलो कर सकते हैं. टिक्स मतलब ऐसे 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 कोई मूवमेंट करना, ऐसे 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 कोई मूवमेंट करना, अजीब अजीब, हाँ चल 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 चल, बेसिकली ये हमारे बालाजी टेलीफिल्म्स की कोई ना कोई वो उसके साथ क्या उनको भी टोरेट ही होना चाहिए कायदे से, लेकिन वो टोरेट में नहीं माना जाता. क्या कर सकते हैं. सो वो टोरेट है, ये भी टोरेट है, तो ये बेसिकली मूवमेंट से शुरू होता है. कई बार फिर कोई वर्ड आप बार बार बोल सकते हो, कभी कभी ये टाइनी मूवमेंट जो है वो आपके स्निफ्स हो सकते, कभी कभी खांसी हो सकती है, कभी कभार कोई मूवमेंट हो सकता है आम का, आई का, जो आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा, कभी कभी हाथ का मूवमेंट जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कभी कोई जंप्स हो सकते हैं बार बार जंप कर रहे हैं, कभी कभी किक्स हो सकती है किक कर रहे हैं, कभी कभी थ्रोट क्लियरिंग
कभी कभी शोल्डर शक हो सकते हैं. सो दैट माइट बी एनी काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ सिम्टम जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, आइदर मूवमेंट आइदर सम साउंड. सो इट माइट बी देयर और इट कैन हैपन मेनी टाइम्स अ डे. दीज आर कॉल्ड टिक्स 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 टिक्स, नॉट दोज टिक्स जो आप निकालते हैं कुत्तों से ऊपर से. सो काफ़ी बार ऐसा भी होता है ओवर टाइम आपके टिक्स जो है इम्प्रूव हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं. पहले मैं ये करता था, अब मैं ये करता हूँ, मतलब कुछ और हो सकता है. सो इट्स पॉसिबल एंड समटाइम्स इट इज इट कैन गेट वर्स. यस इट कैन गेट वर्स, यानी बीमारी बढ़ सकती है. कब बढ़ सकती है? टीनेज ग्रुप में, जब आपके हॉर्मोन्स और ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं दैट टाइम. और बहुत लोग ऐसे बिलीव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कि कुछ लोग होते हैं जो इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोलने लग जाए, उल्टे सीधे फ्रेजेस बोलने लग जाए, जो कि गाली देने लग जाए ज़बरदस्ती के. बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली द इट. ये बिलीव नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते जो आप नहीं करना चाहते, वो तो उल्टे सीधे कुछ वर्ड निकल आते हैं. राइट, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओसीडी. ओसीडी नहीं है, ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेशन टू डू सम वर्क, कि भाई दरवाज़ा बंद है कि नहीं है, दरवाज़ा बंद है कि नहीं है, दरवाज़ा बंद है कि नहीं, गैस बंद है कि नहीं, गैस बंद है कि नहीं है, मैंने वो कंप्लीट किया कि नहीं किया, मैंने वो साफ किया, मैंने फेस धोया कि नहीं धोया, दैट इज़ ओसीडी. पर्सन कैन हैव बोथ ओसीडी एंड टोरेट टुगेदर, बट ओसीडी इज़ डिफरेंट, टोरेट इज़ डिफरेंट. ठीक है, मैनी पीपल जिसको टोरेट होता है, वो इसका भी हो सकता है कि कुछ टाइम तक टोरेट्स के स्टिक्स आने बंद हो जाए और फिर वापस शुरू हो जाए, फिर वापस बंद हो जाए. सो दोज आर ऑल्सो समटाइम्स पॉसिबल प्रॉब्लम. कई बार ऐसा होता है कि नींद में टिक्स आने लगते हैं या नींद में ठीक हो जाते हैं, ऐसा भी होता है. सो नींद में, मतलब नींद में भी पॉसिबल होता है. तो अल्टीमेटली आप इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? देर इज़ नो टेस्ट, ओनली अ डॉक्टर कैन डायग्नोस इट विद द प्रॉपर आपके एग्जामिनेशन से. और बहुत सारे डायग्नोसिस के लिए आपको, मतलब कोई ना कोई एक मोटर टिक होना चाहिए एंड वन और मोर वोकल टिक. मोटर टिक हाथ से टिक 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 डुंग डुंग डुंग, या फिर और साथ में एक वोकल मुंह से बोलने वाला टिक भी साथ में होना चाहिए. ऑल्दो सब के सब एक साथ जरूर हो जरूरी नहीं है, लेकिन ये अगर दोनों के दोनों है, मोटर टिक एक से ज़्यादा और वोकल मुंह से आने वाले टिक एक कम से कम, तो फिर हम टोरेट बोल सकते हैं. और टिक्स कम से कम एक दिन में कई बार होना चाहिए और नियरली एवरी डे ऑफ एंड ऑन फॉर मोर देन वन ईयर, तब उसको टोरेट बोलते हैं. राइट, या फिर और साथ में टिक्स जो है वो 18 साल के पहले शुरू होने चाहिए, क्योंकि भैया ऐसा है ना, कई लोग नाटक भी करते हैं, कई लोग ड्रामे भी करते हैं, पता नहीं क्यों पर करते. सो और साथ में कोई और ब्रेन में डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा क्या ये बड़ी बड़ी गांठ दिख गई, ट्यूमर दिख गया, कीड़ा दिख गया ब्रेन में और बोलेंगे टोरेट, फिर कुछ और नहीं होना चाहिए. सो दैट इज टोरेट वेयर इट इज ऑल केमिकल प्रॉब्लम इन द ब्रेन. उसके बाद वॉट इज द ट्रीटमेंट? देखो, माइल्ड सिम्टम है, आपके लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं. वोकल सिम्टम आपको दिक्कत कर रही है तो टॉक थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हैबिट रिवर्सल होता है, ये सारी टेक्निक्स साइकोलॉजी साइकाइट्री में, जिससे हम टिप्स को टिक्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. और कुछ दवाइयाँ भी आती हैं विच कैन बी यूज टू ट्रीट, जैसे कि दवाइयों का जो होता है वो आपको डिपेंडिंग अपॉन आपकी सिवियरिटी, डिपेंडिंग अपॉन आपके सिम्टम, क्या उसमें कोई ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, क्या उसमें कोई डिप्रेशन है, इसके बेसिस पे डिसाइड की जाती हैं. दोज आर डिसाइडेड बाय योर साइकाइट्रिस्ट. दवाइयों के लिए आप साइकाइट्रिस्ट से जाके मिले. अल्टीमेटली इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको अपने घर वालों का, अपने लोकली दोस्तों का सपोर्ट. और बहुत सिम्टम है, सिम्टम आर ओफन टीनेज ग्रुप में बहुत ज़्यादा थोड़े वर्स हो जाते हैं और आगे चल के थोड़े बेटर होने लगते हैं, अर्ली एडल्टहुड में ही बेटर होने लग जाते हैं. कुछ लोगों के सिम्टम्स जो कम्प्लीटली चले जाते हैं कुछ सालों में और फिर वापस आ जाते हैं, और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके सिम्टम्स आते ही नहीं. सो डोंट वरी, मे बी यू आर लकी, है ना, पॉसिबिलिटीज़ हैं. लेकिन अल्टीमेटली क्या है, कई बार लोग इससे गुस्से में आ जाते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है, एंगर इश्यूज आ सकते हैं, है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव और डिप्रेशन भी प्रॉब्लम आ सकती है. इसीलिए भैया ऐसा है, इसके लिए मतलब जितना हो सके उतना अपना ओरिएंटेशन नॉलेज होना चाहिए आपको कि आपकी बीमारी क्या है. आपको नॉलेज है, आपको पता है क्या है, तो आप उसको डील कर सकते हो. राइट, सो देर आर थिंग्स विच वी कैन डू. सो गो टू अ साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट, टॉक थेरेपी करिए. कोई दवाई लेना नहीं लेना वो डिसाइड करेंगे, बात करिए उनसे. और सबसे पहले भैया आपको ये प्रॉब्लम नहीं है तो ये वीडियो शेयर करिए, इतना पूरा देखा है तो शेयर करिए. थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चन विच यू हैव, आई विल ट्राई टू आंसर. थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.